नगर परिषद विभाग चुरहट के द्वारा घर घर तिरंगा लगाओ अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत चुरहट नगर परिषद की सभी वार्डों में तिरंगा अभियान के अनुरूप हर घर में तिरंगा लगवाया गया। साथ ही चुरहट की जनता को समझाइश देते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी राम अवतार पटेल ने जनसंपर्क के साथ साथ लोगों को तिरंगे के महत्व के बारे में बताया और यह भी कहा कि अगर देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करनी है तो हर घर में तिरंगा लगाना जरूरी है। तिरंगा केवल एक झंडा नहीं है, तिरंगा हमारी शान है, हम सब तिरंगे के नीचे खड़े हुए हैं, इसलिए तिरंगा लगाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स। तिरंगा यात्रा हर जगह हर क्षेत्र में निकाली जा रही है। इसी बीच हमारे चुरहट क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालय में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 400 से ऊपर बच्चे शामिल रहे। हमारे बीच में खड़ी हैं आदरणीय प्राचार्य महोदय, हम उनसे बात करेंगे कि तिरंगा यात्रा का क्या क्या महत्व बताया गया बच्चों को और इससे क्या शिक्षा मिलेगी और इसका क्या समाज में मैसेज जाएगा। सर्वप्रथम तिरंगे की शान में नमन। हर एक व्यक्ति, हर एक भारत का नागरिक, उसका ये परम कर्तव्य है कि वह अपने इस तिरंगे की शान में अपना सर्वस्व निछावर करते रहे और इसी उद्देश्य को लेते हुए यह तिरंगा यात्रा आज जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्रा समस्त स्टाफ ने निकाली, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से हम अपने देश की आन बान शान का प्रतीक इस तिरंगे झंडे की शान में आराम से बहुत एक कंफर्टेबल लाइफ को जी सकते हैं। यदि हमारा तिरंगा इसी तरह शानदार तरीके से लहराता रहा, पूरी पृथ्वी पर भारत का नाम सबसे ऊपर रहेगा। अच्छा मैडम, एक सवाल और है कि कुछ जगहों में ऐसा पाया गया है कि तिरंगे को उल्टा लटका दिया गया है अभी तिरंगा यात्रा के दौरान, तो क्या चीज़ की कमी रही होगी कि ऐसे लोग कर देते हैं? सर, ये एक हम अचानक हुआ एक गलती माने, जानबूझ के ऐसा कोई नहीं कर सकता है, अचानक ही ऐसा हो गया। ऐसा भी माना जा सकता है कि अज्ञानता का वही मैं अचानक ही हो गया होगा सर ऐसा, क्योंकि कोई भी तिरंगे की शान में इस तरह से घुसता कि जानबूझ कर नहीं कर सकता। मतलब तिरंगा यात्रा जो घर घर तिरंगा जो चल रहा है, इससे अच्छा मैसेज जाएगा बच्चों के बीच में। जी, बच्चों के बीच में, और बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और उनको इसका महत्व पता चलेगा कि जितना शानदार तरीके से लहराएगा उतना ही शानदार हमारा जनजीवन रहेगा। धन्यवाद मैडम। तो सर, ये कहाँ कहाँ ध्वजारोहण किया जा रहा है? हर घर में तिरंगा लगवाया जाना है। जी जी, नागरिकों प्रेरित भी कर रहे हैं, लगवा भी रहे हैं, स्वयं अपने से लगा रहे नहीं लगाए जो जी जी, जो लगाए हैं तो अच्छा है, धन्यवाद उनका। जी जी, हम सभी लोगों से प्रेरित करते निवेदन करते हैं कि सभी झंडे अपने अपने घर में सुरक्षित ध्वज का सही लगाया जाए और कहीं टेढ़ा ना लगाएं और गिराएं नहीं, अच्छे से बांधे, उसकी जो गाइडलाइन है उस अनुसार उसको पालन करें। अच्छा, कितने दिन का ये कार्यक्रम? 13 से 15 तक का। जी जी है। जी जी, वैसे भी इधर देखे हैं बहुत से लोग लगा लिए हैं। हाँ, तो हमने विक्रय कराया है निकाय के माध्यम से, लोग खरीद लिए हैं लेकिन लगाए नहीं है, इसलिए हम घर घर जाकर प्रेरित कर रहे हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। यह हर घर, जी हर घर झंडा, जी जी ही लग रहा है। जी, झंडा सबका विक्रय हो गया, घर घर पहुंच चुका है लेकिन लोग लगाए नहीं है। जी जी, आज हम लोग अपने नगर परिषद के लोग, जी जी, ये नहीं लगाए उनका प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि 17 तारीख तक ये झंडा जी जी लगा रहा हो, चाहे राष्ट्रीय दिवस। जैसे सीमा साहब भी बोल रही है कि 13 से 15 तक का अभियान है। हाँ जी, 13 से 15 तक विशेष अभियान है। हाँ, विशेष अभियान। जी जी, और लगातार चली और राष्ट्र के ध्वज के जी सम्मान करब की हर व्यक्ति का हम यह अपील करब कि माने हर लोग जी जी ओकर लगावे, ओकर सम्मान करे, ओकर महत्व। जी जी, ठीक ठीक, धन्यवाद। महापंचम के सहयोग। जी जी, धन्यवाद। चुरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।